Reach to heart. Malai chicken kofta. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मलाई कोफ्ता, जिसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊँगी, ऐड करूँगी इसके अंदर मैं गार्लिक, जिंजर, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अनियंस। सब मसालों को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। तो हमारे जो प्याज और लहसुन वगैरह है सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है लाइट फ्राई। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 3 टमाटोज एंड 3 ग्रीन पेपर। अब ऑलमोस्ट 10 मिनट तक मैंने फ्राई करूँगी। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ऑलमोस्ट 20 बादाम आलमंड, इनको मैंने धोकर छील लिया था। मलाई कोफ्ता में जब तक आप बादाम नहीं ऐड करते तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। सारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो गया, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। तो अब मैं स्टोव को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसे ग्राइंड करूंगी। तो मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, तब मैं इसके अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा क्रीमी सा स्ट्रक्चर बना है इसका। तो अब मैं इसे कुक करूंगी 10 मिनट, फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून साल्ट, 1/2 मसाले में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी वाटर। और इसे अच्छे से कुक करूंगी 5 मिनट तक। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो कोफ्ते, चिकन कोफ्ते, ये मैंने हल्के हल्के फ्राई कर लिए थे। कोफ्ते बनाने की रेसिपी जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि उन्हें बना के कैसे फ्रीज किया जाता है। तो एंड पे मैं इसमें डालूंगी हैवी क्रीम, क्योंकि हम बनाने लगे हैं मलाई कोफ्ता। ये तकरीबन मैं 1 कप इसमें मैंने डाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते, मलाई कोफ्ते रेडी हो चुके हैं।
अब मैं आपको इसको सर्विंग बोल में डाल के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रखें। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.